अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, सीजन की पहली शादी और मैं इस वक्त पहुंचा हूं डीके फार्म में। तो हमारे पड़ोस निसार भाई की बेटी की आज बारात आने वाली है। बारात आ रही है अफजलगढ़ से। तो इंशाल्लाह आज का यहां पर जो है फंक्शन है उसको ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज के कुछ व्यू। तरफ जो खाने का इंतजाम किया गया है वो लोकल लोगों का किया गया है। बैठे हुए यहाँ पर लोग, अभी खाना शुरू नहीं हुआ। और ये रहेगा आम लोगों के लिए, जो लोकल के मेहमान हैं उनका इस तरफ इंतजाम है, और उस तरफ वहां पर बारात का इंतजाम किया गया है। सेक्शन दिया गया है कुकिंग का, आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है खाना। ये कड़ा लग रहा है, देखो। दोस्तों, खाना तो लगभग 90% कंप्लीट हो चुका, यानी बनकर तैयार हो चुका। बस थोड़ा सा जो इंतजार है वो है बारात का। बारात जस्ट पहुंचने वाली है और उसके बाद होगा इंशाल्लाह खाना शुरू। भाई आफ्ताब यहां पर इस वक्त और कर रहे हैं सभी लोग बारात का इंतजाम किया गया है दूल्हा के बैठने का। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, और ये टोटल फुली एसी हॉल है जहाँ पर बारात स्टे करेगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है मेहमान पहुँचे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बारात लगभग शायद धामपुर तक पहुँच चुकी है, 15-20 मिनट में इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। चलिए, तो इंतजार कर रहे हैं हम सभी बारात का। दोस्तों, ये जो हॉल है वो पूरा एसी है, बहुत ही चिल हो रहा है यहाँ का इन्वायरमेंट। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रही है, यहाँ पर जो है दो एसी लगी हुई है। बहुत अच्छा जो है यहाँ का वातावरण हो रहा है। भाई करार यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करते हुए, तो धीरे धीरे मेहमान आजाद पहुँचते हुए सफदर भाई एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पहुँचे हैं सफदर भाई डीके फार्म में। खालू भी आ गए हैं और भी तमाम। तो दोस्तों, ये डिपार्टमेंट जो है वो है यहाँ पर जो है लोग नेक जोक देते हुए, बेटी की शादी है चुके उसमें जो है यहाँ पर नेक जोक दिया जा रहा है। अलाउद्दीन, आफ्ताब भाई और तमाम यार दोस्त यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है इंजॉय मूड में, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए। बारात अभी जस्ट पहुंचने वाली है। बहुत ही शिद्दत से यहाँ पर जो है इस वक्त बारात का वेट हो रहा है। तमाम हजरात इंतजार में हैं और बार बार निगाहें जा रही है गेट की तरफ कि कब बारात लौटेगी। ये डिपार्टमेंट है बुजुर्गों का, सरपरस्तों का। हाजी निसार साहब बैठे हुए हैं और भी तमाम हजरात यहाँ पर। तो माशाल्लाह आज बेटी की बारात आ रही है अफजलगढ़ से। हाजी जी अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ, इंशाल्लाह सूफी जी भी पहुंच चुके हैं, सबसे बड़े भाई हैं ये दुल्हन के। बारात की स्वागत के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों को कलियों से जुदा किया जा रहा है, और जुदा करने वाले ये जालिम है। तो बारात आ चुकी है, आप देख सकते हैं। सूफी जी यहाँ पर कोने से जो है दूल्हा साहब को निहारते हुए। बारात पहुंच चुकी है, लगभग 3 बज चुके हैं। अफजलगढ़ से बारात पहुंची है, तो दूल्हा बैठ चुके हैं अपने सिंहासन पर। तो चलिए चलते हैं लेते हैं। दोस्तों, खाना हो चुका है शुरू और बारात पहुंच चुकी है। चलिए थोड़ा सा मैं दिखा दूं, लोग ले रहे हैं यहाँ पर खाने का लुत्फ।
सरफराज भाई पहुंचे हैं, तो खाने में क्या क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर चिकन कोरमा है, हलीम है और वही बिरयानी। तो जी इनको कौन नहीं जानता, तो ले रहे हैं लोग यहाँ पर स्टैंडिंग में खाना। आप देख सकते हैं सभी लोग ले रहे हैं यहाँ पर खाना, और 3 काउंटर लगे हुए हैं खाने के, आप देख सकते हैं। तो ले रहे हैं इस तरफ तमाम आज़ाद खाना। भाई सलीम लगे हुए हैं। जी सलीम भाई कैसा रहा? बहुत अच्छा, खाने का टेस्ट बढ़िया है? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। तो सलीम बिरयानी के साथ एंजॉय करते हुए सलीम भाई। दोस्तों हम भी लेते हैं और करते हैं खाना चेक। ले लिया प्लेट, चलिए ले लिया खाना और खाना फिनिश करके मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों खाना हम ले चुके हैं, बहुत ही डिलीशियस और डिलाइटफुल खाना रहा, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर खाना रहा। ये है वेडिंग रूम और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के बाद और कुछ खाने के इंतजार में। बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं इस वक्त वकील साहब हमारे, थोड़ा सा शायद लेट पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। बहुत लेट पहुंचे वकील साहब, मैं तो कई बार पूछ चुका बेटे से, तैयार होने में वक्त लगा दिया। नहीं, 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 ऐसा नहीं है मेरी बात, मैं सुबह से यहीं था तैयार। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, अल्लाह नजर बस से पहुंचा है। तो वकील साहब पहुंचे हैं। दोस्तों इससे पहले जो मैंने खाना दिखाया आपको वो था लोकल का खाना, यहाँ पर जो है सेपरेट किया गया है बारात का इंतज़ाम। आप देख सकते हैं बारात पहुँच चुकी है और अब बाराती यहाँ पर जो है खाना लेने की तैयारी में है। तो नाश्ता और खाना एक साथ है, आप देख सकते हैं ये सेक्शन दिया गया है बारातियों के लिए। तो दोस्तों नाश्ता हो चुका है शुरू, आप देख सकते हैं मेहमान यहाँ पर ले रहे हैं रसगुल्ला और यहाँ पर है फ्रूट्स। दोस्तों खाना नाश्ता शुरू हो चुका है बारात का और अभी निगाह बाकी है, उधर लोकल का खाना चल रहा है, इधर बारात का सेपरेट इंतजाम किया गया है। तो सभी मेहमान आजाद बाराती ले रहे हैं यहाँ पर खाना ना, देख सकते हैं पानी बताशों का मजा लेते हुए यहाँ पर, और उससे ज्यादा मजा मुझे लग रहा है देने में इनको आ रहा है। जी सर मजा आ रहा है खिलाने में खट्टा मीठा। मैनेजमेंट को निहारते हुए और देख रहे हैं किसी भी चीज की यहाँ पर जो है कोई कमी ना रह जाए। माशाल्लाह बराती बहुत ही पीसफुल और शांत तरीके से ले रहे हैं यहाँ पर खाना और नाश्ता। खाना अपने पीछ पर चल रहा है, तमाम बाराती चुके, टाइम भी लगभग 3:30 हो चुके हैं, अभी पहुंची है बारात अफजलगढ़ से। तो खाना अपने पीछ पर है, तमाम मेहमान हजरत ले रहे हैं इस वक्त खाना, तो हम भी ले चुके हैं। खाना बहुत टेस्टी है, तमाम सारे नेक जोग एक तरफ और ये नेक जोग एक तरफ, तो पधार चुके हैं यहाँ पर और मुबारकबाद देने के लिए दूल्हा को आ चुके हैं, तो बधाई के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, इनको तो जानते हैं, तो बधाई देने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर दूल्हा को। 21,000 की डिमांड है, जयपुर से आया मेहमान, जयपुर से यहाँ पर देखते हैं कितने में सेटलमेंट होता है। तो अच्छा नहीं लगता है, दुनिया भर की बातें आप करो हम करें, मजा नहीं आता है ना, आप भी अच्छे इंसान हो। बस इन्हें मत देखो, तुम बिल्कुल भी हमें बताइएगा, हम पहली बार नहीं आए। कितने हो गए? 51,000 अभी मिल रहा है। तो 2,000 के बाद 3,000 रुपए में सेटलमेंट हुआ है और
जा चुके हैं, वो 3000 रुपए दे दिए हैं। पहुँच चुके हैं निकाह के लिए माशाल्लाह, अब होगा कुछ देर के लिए जाते हुए। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार हजरात, वकील साहब भी, अब होगा इंशाल्लाह निकाह, होगा निकाह। पहुँच चुके हैं इमाम साहब, वकील साहब और दामाद साहब, तो अभी पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह निकाह सुन्नत। तो शादी की तकरीब में सबसे अहम चीज़ खाने के बाद जो होती है वो होता है निकाह सुन्नत। तो इस वक्त हो रहा है निकाह, बारात पहुंची थी अफजलगढ़ से, तो इंशाल्लाह अभी निकाह होगा, उसके बाद दूल्हा लेंगे खाना। साइन होते हैं तो वकील साहब जा रहे हैं साइन कराने के लिए लड़की के और वकीलों के, रजिस्टर उनके हाथ में है, तो गए हैं साइन कराने के लिए वकील साहब। तो लड़की के और गवाहों के साइन यहाँ पर जो है हो चुके हैं, वकील साहब के हाथ में है रजिस्टर, आप देख सकते हैं, साइन करा के ले आए हैं वकील साहब। इकरार बिंत जनाब इकरार अहमद साहब बज मेहर फातमी सिक्कर आए दुलवक, एक वकील की वकालत, दो गवाहों की शहादत और तमाम हाजरीन की मौजूदगी में आपके निकाह में आपकी अहलियत बना कर दी जाती है, क्या आपने उनको कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है, आप देख सकते हैं, और इस वक्त दूल्हा उस निकाह नामे पर साइन कर रहे हैं जो अभी इमाम साहब ने पढ़ाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह सुन्नत अदा हो चुका है, खुशगवार माहौल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है और इस वक्त दूल्हा कर रहे हैं साइन, उसके बाद जो है बाराती उनके यार दोस्त अहबाब देंगे उनको मुबारकबाद। मुबारकबाद से पहले निकाह के छुहारे बटने शुरू हो गए, आप देख सकते हैं, देखिए कितना शोरगुल है यहाँ पर छुहारों को लेकर के। देखिए यहाँ पर जो है ये पार्ट मुझे बहुत ही जो है हंसी आती है इस पार्ट में जब छुहारे बटते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर जो है बर्फ ही बर्फ इनके भाई के सर पर, देख सकते हैं। यहाँ पर वकील साहब मुबारकबाद देते हुए दूल्हा को और इकरार भाई भी गले मिलते हुए दूल्हा से, तो मुबारकबाद दी जा रही है। इस वक्त निकाह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह मेहर फातमों के साथ। सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारा चैनल तो भाई ने किया है चैनल सब्सक्राइब, बात देते हुए भाई कार उनके बेटे और बहुत ही खुशगवार माहौल में हुआ है। दोस्तों कोई भी बारात निकाह पर ही जो मुकम्मल होती है और असल जो होता है बारात का मतलब मकसद ही जो होता है वो निकाह होता है। तो निकाह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहर फातमे यहाँ बने हैं
तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्लीज वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।